नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। चलती हूँ आज की बड़ी खबर की ओर। 23 मार्च से 12-14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण। रीवा में 1,26,00 बच्चों को लगेगी कोर्बेवैक्स वैक्सीन। 28 से 42 दिन के बीच लगेगा दूसरा डोज। प्रदेश में 23 मार्च से 12-14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा है कि रीवा जिले में 1,26,000 बच्चों को कोर्बेवैक्स के टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए CMHO स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाएं, साथ ही प्रशिक्षित टीकाकरण दल तैनात करें। कोशिश करें कि प्रथम दिन ही अधिक से अधिक बच्चों को टीके लग जाएं। वहीं कलेक्टर ने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन के टीके अवश्य लगवाएं, इसमें बच्चों को कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी होंगे शामिल। कलेक्टर ने कहा है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है वह 12 से 14 आयु वर्ग में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी मुख्य रूप से होंगे। DO को कहा कि सभी प्राचार्यों को टीकाकरण के संबंध में निर्देश दें, साथ ही शिक्षकों के माध्यम से सभी बच्चों को 23 मार्च से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान की जानकारी दें। शिक्षकों को नोडल टीकाकरण अधिकारी के रूप में स्कूलों में तैनात करें। सभी शासकीय और निजी स्कूलों में टीकाकरण के शिविर अनिवार्य रूप से लगाएं। तैयारियां हो गई है पूर्ण। CMHO डॉक्टर BN मिशन ने बताया है कि 12-14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की दो डोज लगाई जाएंगी। पहली व दूसरी डोज के बीच में कम से कम 28 दिन और अधिकतम 42 दिन का अंतर होगा। वैक्सीन लगवाने के लिए वर्ष 2008 एवं 2009 में जन्म लेने वाले बालक बालिकाएं पात्र होंगे। वर्ष 2010 में जन्मे बच्चों में जिनकी आयु 12 वर्ष पूर्ण हो गई है उन्हें ये टीके लगाए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन की भी रहेगी सुविधा। जन्मतिथि के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन की भी सुविधा रहेगी। इसके लिए स्कूल द्वारा जारी बच्चे का पहचान पत्र भी मान्य होगा। बैठक में निगमायुक्त मिलान मीणा, CMHO स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर सलनशी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BK अग्निहोत्री, डॉक्टर सुनील अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और नई खबर पाने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।